पुलिस ने एक ऐसे चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फायरआर्म्स के साथ घटना को अंजाम देते थे। ये चोर यूपी से भोपाल में आकर चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरी के पैसे से ही जमीन, गाड़ी और मकान खरीदते थे। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी ने बताया कि सोने चांदी के आभूषण, कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल, एलईडी टीवी सहित अन्य संपत्ति और कैश बरामद किया गया है। अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह भोपाल पुलिस के हाथ लगा तो पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस की पकड़ में आए आरोपियों के कब्जे से 15 वारदातों का 54 लाख रुपए कीमत का सामान जब्त किया गया। भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी ने बताया कि 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से तकरीबन 45 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, चोरी किए गए रुपए से खरीदा गया 3 पहिया वाहन, अचल संपत्ति के दस्तावेज, 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और लॉक तोड़ने में उपयोग होने वाला औजार और अन्य देशों की करेंसी शामिल है। पुलिस कमिश्नर मिश्र ने कहा कि शातिर आरोपी अफरोज खान, नासिर खान, अलीम खान मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। लंबे समय से ये भोपाल के ग्रामीण इलाकों में रह रहे थे और उन्होंने चोरी के रुपयों से ही भोपाल जिले में मकान, जमीन और वाहन की खरीदी की थी। आरोपी ताला तोड़ने के लिए टॉमी और रॉड के साथ पेचकस का उपयोग करते थे। पहचान छुपाने के लिए वो टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहना करते थे। पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले दिनों खासतौर पर इस कड़ी में कई कार्रवाइयां हुई थी, जिसमें कि वाहन चोरों के एक बड़े गैंग को भी पकड़ा गया था और नकबजनी के कई गैंग पकड़े गए। उसी कड़ी में जुन्थरी में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत लगभग 15 बड़ी नकबजनियां उसमें पकड़ी गई हैं, जिसमें भी हाल में आपके सामने जैसा कि प्रदर्शित है, लगभग 50 लाख रुपये के आसपास की गहने और बाकी जो जब्त सामग्री है उसकी कीमत पाई गई है। इसमें खास बात यह है कि यह जो 2 साल से नकबजन अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से रह रहे थे। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने बताया कि 5 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 2 आरोपियों के पूर्व में भी पुलिस रिकॉर्ड हैं। चोरी नकबजनी पर अंकुश लगाने और अपराधियों की धर पकड़ के लिए पुलिस उपायुक्त जोन 1 प्रियंका शुक्ला द्वारा 4 अलग अलग टीमें गठित की गई थी। भोपाल और उसके आसपास के जिलों के निगरानी बदमाशों से पूछताछ की गई। भोपाल और आसपास के जिलों के मुख्य मार्गों पर लगे करीब 250 कैमरों को खंगाला गया, तब 2 आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया। घटना के संबंध में आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई। आरोपियों ने कबूल किया कि 5 दोस्तों ने मिलकर शहर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 1 दर्जन चोरी नकबजनी की घटना को अंजाम दिया है। घटना में प्रयुक्त वाहन और औजार सहित चोरी की गई संपत्ति बरामद कर आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है और अन्य प्रकरण के संबंध में भी उनसे पूछताछ की जा रही है। मिश्र ने बताया कि सोने चांदी के आभूषण, कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल, एलईडी टीवी सहित अन्य संपत्ति तथा घटना में प्रयुक्त वाहन और औजार भी जब्त किए हैं। कुल संपत्ति की कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए बताई जा रही है। 5 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 2 आरोपियों के पूर्व में भी पुलिस रिकॉर्ड हैं। आरोपियों ने पूर्व में कोयफिजा थाना क्षेत्र में जैन नगर, विठल नगर, विजय नगर में 4 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। 3 खासतौर पे जो बड़े अपराधी हैं उनको पकड़ा गया है। उनसे लगभग 50 लाख रुपए की आसपास की कुल सामग्री और खासतौर पे जो चोरी गई राशि जब्त हुई है। इसमें 2 मंदिरों की भी चोरियां हैं और बाकी जो आभूषण हैं और चांदी के जो सामान है वो सारी चीजें इसमें जब्त की हैं। इसमें खासतौर पर DCP जोन 1 प्रियंका इनके नेतृत्व में विशेष तौर पर टीम ने बेहतर काम किया है। एडिशनल DCP और वहाँ पे ACP के साथ साथ उसमें रातीबर थाने के अंतर्गत इसमें कई चोरों को पकड़ा गया है। इसमें जो चोरियां हुई हैं वो बाग शिवनिया, रातीबाड़, टीटी नगर, कमला नगर, इन क्षेत्रों में भी हुई हैं। अलग अलग जगहों की वारदातें हैं। इसमें इन आरोपियों से, इसमें 2 आरोपियों के क्रिमिनल पुराना बैकग्राउंड भी है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि कुछ और पुरानी नकबजनियां इसमें खुल सकती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।